जनपद मुरादाबाद में एक अमानवीय घटना सामने आई है। मामला उस समय सामने आया जब एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ और इस वीडियो में एक व्यक्ति मुर्गा बना हुआ है और उसकी कमर के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। वहीं दूसरा युवक मुर्गा बने व्यक्ति को गालियां दे रहा है और जोर जोर से शोर मचाकर कहता दिख रहा है कि जो भी गंगा जी को गंदा करेगा उसे ऐसे ही मुर्गा बनाया जाएगा और 1,000 रुपए जुर्माना रखा गया है। सूत्र के अनुसार सजा देने वाले युवक का नाम अमित है और वह गंगा मंदिर की देखभाल करता है। वीडियो वायरल होने के बाद थाना कटघर पुलिस भी हरकत में आ गई और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहने लगी। हालांकि आरोपी अमन शर्मा उर्फ अमित अपने द्वारा किए गए कार्य को गलत नहीं मानता। उसका कहना है कि वो मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को मानता है और कोई भी व्यक्ति गंगा को गंदा करेगा उसे ऐसे ही सजा दी जाएगी। अब इस मंदिर के आगे ऊपर देखिए आप, ये रहा मंदिर और ये रही गंदगी। यहाँ पे महिलाएं आती है वो हमसे ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि पंडित जी आपके मंदिर के आगे किसी तरह की कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, अगर मैं भी इस सफाई व्यवस्था को बंद कर दूं तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादा काम तो मैं भी नहीं कर सकता, जितना मेरे हद में उतना करूंगा, क्योंकि यहाँ 8-10 लोगों का काम है और मुझे करना पड़ता है। मामला यही है, गंदगी करते हैं यहाँ पे। हम मकर संक्रांति थी इसमें साफ सुथरा पूजा करते हैं, जब लोग गंदे झगड़ देंगे तो सजा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही करा। अच्छा, वो लोग कहाँ करते हैं सोच? सोच करते हैं मंदिर के आसपास करते हैं, जहाँ पे आस्था है लोगों की। ये भाई साहब यहाँ मना करते हैं, लोग बार मानते नहीं इनकी बात को। ये बंदर आपको 3:30 बजे आन के यहाँ पे साफ सफाई करता है, गंगा पे शौचालय बंद कराने का इसका पूरा पूरा हाथ है और इस बंदा बहुत मेहनत करता है, रातों दिन यहाँ लगा रहता है मंदिर में ही तो, और आन के यहाँ पर ये लोग बारों से मना करता है। जो लोग नहीं मानते तो उनको फिर ये समझाता है, वो उससे भी नहीं मानते तो फिर उनके साथ थोड़ा बहुत उनको समझाता, नहीं मानते तो फिर क्या करें यार, बेचारा मजबूर है, साफ सफाई में लगा रहता है 24 घंटे। हाँ जी प्रसाद, मना करते हैं शौचालय के लिए, लोग मानते नहीं, फिर ये दोबारा अपने उठाते ही हैं। अच्छा, तो ये तो गंगा किनारा है, हर आदमी ये चाहता का साफ सफाई रहेगा। और 3:30 बजे आए थे, 3:30 बजे आके क्या करते हैं? 3:30 बजे सफाई वफाई करते हैं साहब, इधर देखाभाली करते हैं, कोई शौचालय को नहीं बैठा ये तो गलत ही है, मतलब समझा रहा है वो आदमी नहीं मानता, धोखे पैसे आदमी बैठ ही जाता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वायरल वीडियो के संबंध में जब उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे इस मामले की अभी कोई जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से मामला मेरे सामने आया है, मामला गंभीर है और पूरे मामले में गहनता से जांच कर कार्रवाई कराई जाएगी। सरकार बहुत अच्छे मन से इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही है। जो हमारा लक्ष्य है पूरे उत्तर प्रदेश को 2 अक्टूबर 2018 तक बाहरी शौच से मुक्त करने का स्मार्ट संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है, सरकार पूरा विभाग उसके काम के निस्तारण है, कृत संकल्प है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। इसके अलावा निगम परिवार है, निगम प्रशासन है, उनकी ओर से कोई भी निगम का विभाग, उनका विषय पंचायती राज विभाग के अधीन नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में इस काम को नगर विकास मंत्रालय के द्वारा ये काम संचालित किया जाता है, उसके विषय में मान्य नगर विकास के जो भी अधिकृत लोग हैं वही अपना बयान दे सकते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में चलता है, इसके विषय में हम लोग आपको बता सकते हैं। नहीं, इसके अलावा मेरा क्वेश्चन था कि मुरादाबाद में भी ऐसा किया, आपने सूचना दी है इस विषय को परीक्षण करा के, विषय गंभीर है, इसकी परीक्षण करा के इसके जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इसमें की। उसको मुर्गा ही बनाया गया है और जो भी विषय है सब सम्मिलित, सारे कार्रवाई निश्चित रूप से। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद कटघर थाना पुलिस भी हरकत में आ गई और वायरल वीडियो में दिख रहे आरोपी अमन शर्मा और अमित को गिरफ्तार कर लिया। विदित हो कि इस वीडियो में एक व्यक्ति को मुर्गा बनाया गया है और उसकी पीठ पर एक पत्थर रखा गया है और उसे
ये सजा उसे गंगा घाट पर शौच करने की दी जा रही है। वहीं मामले को बढ़ता हुआ देख एवं कार्रवाई होता देख नगर निगम भी हरकत में आ गया और नगर आयुक्त अवनीश कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई को पेश की। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में जो युवक लोगों के सामने अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं उनका नगर निगम से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। शुरू करें इसमें मैं आपकी सभी की जानकारी में डालना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब ODF घोषित किया था तो हमारी स्वच्छ वातावरण निर्माण समितियाँ बनी हुई हैं सभी 70 वार्डों में और उन समितियों को हमने एक ये भी काम दिया है कि वो ये निगरानी करें कि ODF घोषित करने के बाद में कोई खुले में शौच ना करें। लेकिन उनको उनका जो कार्य है उनका कार्य वो प्रचारात्मक है सुधारात्मक है उनका कार्य ऐसा नहीं है इस प्रकार का नहीं है। मेरी भी जानकारी में एक समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाया गया था तो मेरी जानकारी में जो आया है वो देखने से प्राइमा फेसे ऐसा लगता है जैसे कि ये उद्दंडात्मक तरीके से काम किया गया है तो ये तो निश्चित रूप से आपराधिक बात है और इसमें नगर निगम को कुछ नहीं कहना है। न तो नगर निगम ने ऐसा कोई निगरानी समिति बनाई है जो इस प्रकार से लोगों को करे बल्कि हमारी तो जो समितियां बनी हैं वो प्रेरणा दे रही हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे निकलती हैं अंधेरे में हमारे पास फोटोग्राफ है ऐसे लोगों के जो जाते हैं सीटी बजाते हैं लोगों के फ़ोटो खींचते हैं और उनको कहते हैं लोटा लेकर के और बॉटल लेकर के लोगों के फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। तो हमारी कमेटी इस तरह के काम कर रही है प्रचारात्मक हमारी कमेटी ऐसा काम नहीं कर रही है कोई भी जो मार्केट का काम जिस स्थान की ये घटना बताई जा रही है उस स्थान से केवल 50-60 मीटर की दूरी पर हमारा एक सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है और एक सामुदायिक शौचालय बना हुआ है और 10-10 सीटर शौचालय हैं हमारे 5 महिला के और 5 पुरुष के। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोग उन शौचालयों में क्यों नहीं जा रहे हैं जबकि वो हमारे शौचालय रोज़ साफ होते हैं वहाँ पर राउंड द क्लॉक एक एक कर्मचारी की तैनाती है। आप चाहें तो जाके देख भी सकते हैं कटघर स्टेशन पर और उससे थोड़ी दूरी पर वाल्मीकि बस्ती पर हमारा सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। नहीं हमने देखिए हमने ODF के अंतर्गत हमने नगर में नगरवासियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और हम वो भी उनको प्रेरणा देते हैं कि उन सुविधाओं का उपभोग करें। लेकिन आप ये बताइए हम सुविधाएं दे सकते हैं हम आपसे कह सकते हैं कि हमारी सुविधाओं का उपभोग करें लेकिन अगर आप तत्पर नहीं हो रहे हैं तो हम आपको समझाएंगे लेकिन हम आपको मारेंगे कभी नहीं। ये मारने वाला काम नगर निगम ने ना तो कहा और ना ही किया और जिस तरह की फोटोग्राफ छपा है वो लगता है कि आपराधिक घटना है और उसका संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए। वहीं जब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब मामले की जानकारी लेने के लिए क्षेत्राधिकारी CO कड़गा सुदेश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और कार्रवाई संबंधित जांच जारी है। तो वहीं उनका कहना है कि आरोपी ने बताया है कि गंगा मेरी माँ है और यदि कोई उसको दूषित करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह समाजसेवी थाने पर आई उन्होंने अखबार की सूचना पढ़ के थाने पर FIR कराई कि अमन शर्मा और समित और दूसरा छठपाल नन्ने इन लोगों को जानता है जिन्होंने यात्रा की थी उसने उनके खिलाफ थाने पर FIR कराई थी। इस संबंध में अभी तो अमन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया विभिन्न द्वारा जो थे 5-4 5-5 थी जिन्होंने खिलाफ FIR की गई कुछ नहीं उससे जब हमने अमन शर्मा अमित से बातचीत की तो वो थोड़ा सा सिर्फ यही कहता है कि गंगा मेरी माँ इसके अलावा तो जवाब नहीं देता ज़्यादा जरूरी है सफाई नहीं मिल जाती।